आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के बारे में। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के इस महान सेनानी की आज पुण्यतिथि है। हरियाणा में नायक के रूप में सम्माननीय तुलाराम ने राज्य में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा उपनगर में पूरन सिंह और ज्ञान कौर के घर हुआ था। उन्होंने 1839 से लेकर 1857 तक 18 वर्षों तक रेवाड़ी प्रशासन किया। 1857 में मेरठ और अन्य स्थानों पर विद्रोह के बाद राव तुलाराम भी विद्रोहियों में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों की सैनिकों और संसाधनों से भरपूर मदद की। वो विद्रोह के दौरान दक्षिण पश्चिम हरियाणा से अंग्रेजों को बाहर निकालने में भी अस्थायी रूप से सफल हुए। सत्रह मई 1857 को राव तुलाराम ने अपने चचेरे भाई राव गोपाल देव और उनके सहयोगियों के एक समूह के साथ स्थानीय तहसीलदार को अपदस्थ किया। उन्होंने लगभग 5,000 सैनिकों का एक दल खड़ा किया और रामपुरा के किले में बंदूकें और गोला बारूद बनाना शुरू कर दिया। राव ने दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे सम्राट बहादुर शाह जफर और अन्य विद्रोही ताकतों की मदद की और उन्हें बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं के साथ 45,000 रुपए भेजे। लेकिन ये मदद दिल्ली को बचा पाने में नाकाफी रही और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर जनरल शॉवर्स ने रेवाड़ी में राव और उनके सहयोगियों पर हमला करने के लिए दिल्ली में एक दल का नेतृत्व किया। शॉवर्स ने तुलाराम को दूत के जरिए संदेश भेजा कि यदि वो अपनी बंदूकों और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके साथ नरमी बरती जाएगी, लेकिन तुलाराम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ब्रिटिश अधिकारी ने 10 नवंबर 1857 को कर्नल गैराट के अधीन एक मजबूत सैन्य टुकड़ी भेजी जिसने रामपुरा किले पर कब्जा कर लिया। 16 नवम्बर को कर्नल गैराट नारनौल गए जहां राव तुलाराम के चचेरे भाई राव किरशन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया और अंग्रेजों को तितर बितर कर दिया। हमले में कर्नल गैराट गंभीर रूप से घायल हो गए। कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी मारे गए या जख्मी हुए, लेकिन ब्रिटिश सेना की ताकत और भारी बमबारी के सामने तुलाराम की सेना अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर सकी। नारनौल की लड़ाई 1857 के विद्रोह की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। नारनौल की लड़ाई में नुकसान और तबाही झेलने के बाद राव तुलाराम राजस्थान चले गए और तात्या टोपे के साथ जा मिले, लेकिन सीकर की लड़ाई में तात्या टोपे की सेना भी अंग्रेजों से हार गई। इसके बाद राव ने ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ ईरान के शाह दोस्त मोहम्मद खान, अफगानिस्तान के अमारात और अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के सम्राट से मदद लेने के लिए भारत छोड़ दिया। अंग्रेजों ने अवज्ञा के कारण राव तुलाराम की संपत्ति को जब्त कर लिया। 23 सितंबर 1863 को पूरे शरीर में संक्रमण फैलने के कारण 38 वर्ष की आयु में अफगानिस्तान के काबुल में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई। राव तुलाराम ने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए
गठबंधन बनाने का प्रयास किया। राव तुलाराम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के रामपुरा में हर साल सितंबर में 2 दिन का शहीदी मेला लगता है। राव तुलाराम के सम्मान में भारत सरकार ने 23 सितंबर 2001 को डाक टिकट भी जारी किया। राव तुलाराम जैसे शहीदों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान का भारत सदैव ऋणी रहेगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।